नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शातिर नकबजन गिरफ्तार, 1,00,000 रुपए का मशरूका बरामद। मुलताई आंवला पुलिस की कार्यवाही, घटना 24 मई 2022 को फरियादी बसंत पिता रामा विजयकर निवासी गुरु नानक वार्ड बोड़खी ने रिपोर्ट किया था कि वह अपने घर में ताला लगाकर अपनी रिश्तेदारी में जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ गया हुआ था कि रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर कमरे में रखी दो अलमारियों का ताला तोड़कर सोने व चांदी के गहने चोरी करके ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए शिवान पुलिस अधीक्षक बैतूल सुश्री समाला प्रसाद द्वारा ज्ञात आरोपी को शीघ्र पतासाजी कर माल मशरूका बरामदगी के निर्देश दिए गए। SDOP महोदय मुलताई सुश्री नम्रता सौंधिया के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस थाना आमला की टीम गठित कर पतासाजी में लगाया गया। आरोपी विजय उर्फ विज्जू टेकाम, आरोपी संजू उर्फ संजय उर्फ सौरभ परते पूर्व से नकबजनी के मामले में मुलताई उप जेल में निरुद्ध है। उपरोक्त उल्लेखनीय कार्यवाही में SDOP मुलताई सुश्री नम्रता सौंधिया के नेतृत्व में निरीक्षण संतोष पंद्रे, थाना प्रभारी आमला आदि ने की। मार्केटिंग हेड दीपक पार्थी की रिपोर्ट।